हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बाइट एंड बी योर टीचर एंड एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है इंटरनेट एंड वेब, और हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेब ब्राउजर्स। जी हाँ, आपका क्लास 12th आईपी का भी आज सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है, और मार्च के दिन चल रहे हैं। हाँ, अप्रैल 26 से आपका पेपर है, तो थोड़े बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दिया आपको रिवीजन के लिए, लेकिन फिर भी आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं वही आपके लिए रिवीजन का भी काम करेगी, वही आपको रिवीजन में भी काफ़ी हेल्प करेगी। तो हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हमारा क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस का भी टर्म 2 का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, और आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग सैम्पल पेपर का भी डिस्कशन ऑलरेडी चैनल पर हो चुका है, जो CBSE ने रिलीज़ करे हैं। उसके अलावा SQL के प्रैक्टिस सेशन भी चैनल पर लाइव लेक्चर्स के फॉर्म में अवेलेबल होंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बढ़िया बनाने का काम कर सकते हैं। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर रहे हैं और कर चुके हैं, तो उनमें से जो हमारा आज टॉपिक कवर होने वाला है वो लास्ट टॉपिक है, आप देख सकते हैं खुद ही, वेब ब्राउजर। जी हाँ, वेब ब्राउजर आज कवर होगा, बाकी सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। एक बार जस्ट क्विक इंट्रो दे रहा हूँ कि ये जो शुरू के 3 टॉपिक्स हैं ये आपको करने पड़ेंगे कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में से। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, नेटवर्क कॉन्सेप्ट, ये हमारा वीडियो लेक्चर्स हैं हमारे पास इन टॉपिक्स के, नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स। लेक्चर 4 टू लेक्चर 8 में आपके वाले टॉपिक्स कवर्ड है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेट एंड वेब, और उसके अंदर 2 वीडियो लेक्चर हमारे हो चुके हैं जिसमें इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट हो चुका है, वेबसाइट हो चुका है। आज लास्ट वाला कवर कर रहे हैं जिसका नाम है वेब ब्राउज़र, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे वेब ब्राउज़र होता क्या है, कुछ कॉमनली यूज ब्राउज़र के बारे में जानेंगे, ब्राउज़र की सेटिंग्स कैसे करी जा सकती है, एड ऑन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, कुकीज़ क्या होते हैं, और उसके बाद आपका कंप्लीट सिलेबस पूरा हो जाएगा। बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू बाइट फैमिली मेंबर्स एंड मी टू फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस एटलीस्ट ऑफ टर्म 2 ऑन टाइम। टर्म 1 का सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था, एक सोशल इंपैक्ट वाला चैप्टर हमारा रह गया था, बाकी सब तो पाइथन पूरी कवर हो चुकी थी, थ्योरी चैप्टर था इसलिए रह गया था वो, लेकिन यहां पे मैंने थ्योरी की कसर भी नहीं छोड़ी। टर्म 2 में 100% एक एक टॉपिक जो CBSE की तरफ से मेंशन है वो सब मैं इसमें कवर कर रहा हूं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी तैयारी में दिक्कत ना आए और आपके फुल मार्क्स लाने में आपको कोई भी ना रोक सके। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पिछली बार के हमारे क्वेश्चंस थे, इनके आंसर्स देना चाहूँगा ताकि आप लोग चेक कर सकें कि आपके आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं। सबसे पहला है हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब पेजेस। देखो, वेब पेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो वो पेज था जो चेंज नहीं होता था, और दैट वॉज कॉल्ड एज स्टैटिक वेब पेज, और दूसरा था जो चेंज होता था यूजर की एक्टिविटीज से, और उसको कहा जाता था डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक का इंग्लिश में भी मतलब होता है जो चीज़ फिक्स रहती है, जो चीज़ बदलती नहीं है, और डायनेमिक का मतलब होता है जो चीज़ बदलती रहती है। अगर आप लोगों के पास बिजनेस स्टडीज एज अ सब्जेक्ट है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो उसमें आपने पढ़ा होगा बिजनेस इज अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, बिजनेस जो है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है, उसमें कभी भी किसी भी तरीके के चेंजेस जो है वो आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वेबसाइट। तो वेबसाइट है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब विच कैन बी एसेस्ड यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम ये जो ट्रिलियंस इन्फॉर्मेशन है, ट्रिलियन क्वांटिटी में जो जानकारी पड़ी है वेब पेजेस के फॉर्म में, वो जब मिलती है आपस में कनेक्ट होती है तो उसे वेबसाइट कहते हैं। द पेजेस आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक, विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक। तो इस तरीके से हमारा एक पेज दूसरे पेज से जुड़ा हुआ होता है। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब होस्टिंग।
अपलोडिंग ऑफ वेब पेजेस और वेबसाइट एंड इट्स रिलेटेड रिसोर्सेस फ्रॉम लोकल कंप्यूटर टू सर्वर सो दैट एनीवन इन द वर्ल्ड कैन वॉच इट watch or use it is called web hosting. web hosting एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो हमने वेब पेजेस बनाए वेबसाइट बनाई है उसे हम अपने कंप्यूटर से निकाल के या अपने कंप्यूटर में भी पड़ी रहती है लेकिन अपने कंप्यूटर से उसे हम सर्वर तक पहुंचाते हैं ताकि वो सर्वर्स 24 आवर्स इंटरनेट से कनेक्टेड है और वर्ल्ड में कोई भी अगर उस जानकारी को लेना चाहेगा तो वो सर्वर्स के थ्रू ले पाएगा लेकिन तभी ले पाएगा जब हम उसे सर्वर पे अवेलेबल करवाएंगे और अपने कंप्यूटर से सर्वर पर वेब पेजेस को या वेबसाइट को अवेलेबल करवाने के प्रोसेस को ही वेब होस्टिंग कहा जाता है। तो ये हमारे पिछली बार के क्वेश्चन के आंसर थे। अगर करेक्ट हैं तो बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब बिल्कुल बढ़िया निकला और अगर कुछ गड़बड़ है तो आप प्लीज़ वीडियो लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट प्रॉब्लम रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख के अपना डाउट पूछ सकते हैं। अपना आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं ब्राउज़र से। ब्राउज़र बेसिकली क्या होता है, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एंड्रॉयड फ़ोन उठाते हैं उसके बाद आप सीधा क्रोम खोलते हैं, कुछ भी सर्च करना होता है, कोई भी चीज़ यूज़ करनी होती है तो वो आप इन ब्राउज़र्स की मदद से करते हो अगर आपने वर्ल्ड वाइड वेब की किसी भी सर्विस का फ़ायदा उठाना है। तो ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें डाउनलोड करा जाता है और फिर इंस्टॉल किया जाता है। मैं मेंशन कर दूं, दे आर डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड, डाउनलोड करके उन्हें इंस्टॉल किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे को मदद करता है कि हम वेब पेजेस को अपनी स्क्रीन पर देख पाएँ, उनका इस्तेमाल कर पाएँ। तो ये हमारे को हेल्प करते हैं व्यू करने में वो जानकारी, वो डेटा जो कि रिट्रीव करी जा रही है बहुत सारे वेब सर्वर्स से और वो हमारे तक लाई जा रही है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो जानकारी हमारे पास नहीं है, जानकारी पड़ी है सर्वर में और सर्वर से हम जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं और वो इंटरनेट हमें दे रहा है हमारा आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब हमारे कंप्यूटर में ये जानकारी जो आ रही है, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है जानकारी, ये जिस जगह दिखाई देगी उस स्क्रीन को बेसिकली या उस सॉफ्टवेयर को ब्राउज़र कहा जाएगा। तो ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम वर्ल्ड वाइड वेब से जो जानकारी या सर्वर से जो जानकारी ला रहे हैं उसे अपनी स्क्रीन पर देखने का काम कर सकते हैं, उसे वहाँ से इस्तेमाल करने का काम कर सकते हैं। कुछ कॉमनली यूज ब्राउज़र्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम सम कॉमन ब्राउज़र्स। तो हमारे पास कॉमन ब्राउज़र में आ जाता है गूगल क्रोम, इंटरनेट का एक्सप्लोरर, मोज़िला का फायरफॉक्स और ओपेरा। इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है, ब्रेव है, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज है, बहुत सारे नाम है लेकिन इतने से काम चल जाएगा। आपको दो नंबर में भी आता है तो आप चार नाम लिख सकते हैं, गूगल का क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला का फायरफॉक्स और ओपेरा। तो ये हमारे कुछ ब्राउज़र्स हैं और अगर हम प्राइवेट सर्फिंग करना चाहते हैं तो इनकॉग्निटो विंडो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा टॉर ब्राउज़र यूज़ होता है अगर हम डार्क वेब को एक्सेस करना चाहते हैं। तो वेब ब्राउज़र बेसिकली क्या करता है, HTML डॉक्यूमेंट को दिखाने का काम करता है। HTML डॉक्यूमेंट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बना के भी दिखाया था जिसके अंदर नॉर्मल लिखा हुआ मैटर यानी टेक्स्ट हो सकता है, उसके अंदर इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकती है और एक पेज को दूसरे से जोड़ने के लिए हाइपरलिंक्स हो सकते हैं जिसकी मदद से आप नेविगेट कर सकते हो, जा सकते हो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक। तो वेब ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम वेब पेजेस को देख सकते हैं। वेब पेज बनाए जाते हैं HTML में
में HTML के वेब पेज में टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, साउंड भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, और एक पेज दूसरे पेज से हाइपरलिंक की मदद से जुड़े हुए रहते हैं, ताकि आप एक पेज से दूसरे पेज पे आसानी से जा सको। कुछ कॉमन वेब ब्राउजर हो गए, जैसे गूगल का क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोज़िला का फायरफॉक्स और ओपेरा हो गया। तो ये हमारा टॉपिक वेब ब्राउजर है। ब्राउजर की सेटिंग्स, हम ब्राउजर में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ सेटिंग्स बदल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा हम चाहते हैं कि ब्राउजर रिएक्ट करे, ब्राउजर बिहेव करे, वो सब मॉडिफिकेशन अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को ब्राउजर की सेटिंग्स जो है वो करनी पड़ेगी अपनी ज़रूरत के अनुसार। ये सेटिंग जो है वो करी जाती है प्राइवेसी से रिलेटेड, सर्च इंजन्स की प्रेफरेंस से रिलेटेड, डाउनलोडिंग ऑप्शन से रिलेटेड, ऑटो फिल के रिलेटेड, ऑटो सिग्नेचर के रिलेटेड, ऑटो कंप्लीट के रिलेटेड और थीम के रिलेटेड। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई, प्राइवेसी, क्या पासवर्ड सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो सर्च इंजन कौन सा यूज़ हो, गूगल का, याहू का, बिंग का, कौन सा सर्च इंजन यूज़ हो, जब हम कोई फाइल डाउनलोड करें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फाइल कहाँ जाके सेव हो। ऑटो सिग्नेचर बेसिकली सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। ऑटो फिल में आप देखो, अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हो जिसमें आपका एड्रेस और ये सब आना है, आप कई बार सिर्फ मोबाइल नंबर डालते हो, एड्रेस अपने आप आ जाता है, या आप एड्रेस डालते हो, मोबाइल नंबर अपने आप आ जाता है, उसी को ऑटो फिल कहते हैं। और ऑटो कंप्लीट फीचर, आप आधे अक्षर टाइप कर रहे हो और बाकी की पूरा वर्ड अपने आप लिखा जाता है, और आप टैब दबाते हो तो वो वर्ड कंप्लीट हो जाता है। तो ये सब फीचर्स हैं जो सेटिंग्स के थ्रू आप एक्टिवेट कर सकते हो, ऑन कर सकते हो या डीएक्टिवेट कर सकते हो, बंद कर सकते हो। इसके अलावा आज के टाइम में थीम का ऑप्शन भी आता है, डार्क थीम चाहिए, लाइट थीम चाहिए, ओरिजिनल थीम चाहिए, ये सब सेटिंग्स हम ब्राउजर की कर सकते हैं। ब्राउजर एप्लीकेशन जो है वो चेंज करी जा सकती है, कस्टमाइज करी जा सकती है उसकी सेटिंग्स की मदद से, और ये काम जो है वो एक यूज़र फ्रेंडली वे में करा जा सकता है। वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल या बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग या कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, यूज़र फ्रेंडली वे में नॉर्मल ये वाला ऑप्शन क्लिक करो, ये करो, उसकी मदद से आप आसानी से ब्राउजर के अंदर की सेटिंग्स को चेंज करने का या कस्टमाइज करने का काम कर सकते हैं। अब हम कैसे अपने आप सच में किसी ब्राउजर की सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं और कैसे उसे चेंज कर सकते हैं, तो स्टेप्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेब ब्राउजर की सेटिंग को चेंज करने के लिए। इस काम के लिए जो ब्राउजर मैं यूज करने जा रहा हूं, दैट इज मोज़िला फायरफॉक्स। तो मोज़िला फायरफॉक्स में काम कैसे होगा वो देखते हैं। हमारे को टॉप राइट कॉर्नर पे जाना पड़ेगा ब्राउजर विंडो की, और वहां पे हमारे पास ये तीन लाइंस बनी हुई होती हैं। ये तीन लाइन जो है ये मेन्यू का ऑप्शन है, मेन्यू बटन। तो हम इस मेन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन बटन आ जाएगा, हमारे पास ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ जाएगा, उसमें से हमारे को सेटिंग्स नाम का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब सेटिंग्स पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रेफरेंसेस एंड ऑप्शंस विंडो खुल के आ जाएगी, जिसके अंदर हम अपनी सेटिंग्स को मॉडिफाई करने का काम कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, मोज़िला को खोला आपने या कोई भी अपना ब्राउज़र खोला, उसके मेन्यू ऑप्शन पे गए, यहाँ पे मेन्यू जो है वो थ्री लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट होता है जो टॉप राइट कॉर्नर में अवेलेबल होता है, और वहाँ पे आपको जाना है, फिलहाल इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आ जाती है, उसमें से हमारे को सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमारे को जाना है प्रेफरेंसेज एंड ऑप्शन विंडो पे, और इसको क्लिक करने पे हमारी एक नई विंडो डिस्प्ले जो है वो हो जाती है। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास मल्टीपल पैनल्स होते हैं, और उनमें से हम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं हम सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं। हम जनरल में चेंज कर सकते हैं, होम में चेंज कर सकते हैं, सर्च में चेंज कर सकते हैं, प्राइवेसी और सिक्योरिटी में चेंज कर सकते हैं, और सिंक में चेंज कर सकते हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये ऑप्शन क्या है और कैसे इनको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप स्टेप्स देख सकते हो, ये जो है ये हमारा ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, और जैसा कि इसमें नाम लिखा हुआ है, दिस इज मोज़िला फायरफॉक्स, फायरफॉक्स ब्राउजर है। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये हमारा मेन्यू बटन है, और मेन्यू बटन आपका टॉप राइट पे आ रहा है, जैसे कि लिखा हुआ है टॉप राइट। जब आपने क्लिक किया तो ये लिस्ट खुल के आ गई, ये लिस्ट जो है वो ड्रॉप डाउन कहलाती है। तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आ गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आ गया, और इसमें से हमारे को जानना है इस वाले ऑप्शन पे जिसका नाम है सेटिंग्स। तो सेटिंग्स पे आप क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से आप अपने ब्राउजर की सेटिंग को एक्सेस करने का काम कर सकते हो। तो जब आप सेटिंग्स पे जाओगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। ये बेसिकली आपका खुल गया प्रेफरेंसेस टैब, प्रेफरेंसेस टैब खुल गया, और सेटिंग्स भी कह सकते हैं इसके अंदर हम, दिस इज सेटिंग्स टैब।
और सेटिंग्स टैब के अंदर हमारे पास ये कुछ ऑप्शन है, जैसे कि जनरल सेटिंग बदलनी है या होम की सेटिंग बदलनी है, सर्च की बदलनी है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की बदलनी है और सिंक की बदलनी है। फिलहाल इसमें जनरल पहले से ही खुला हुआ आ रहा है। ये देखो इसमें ऑप्शन आ रहा है ओपन प्रीवियस विंडोज एंड टैब्स। अगर आप चलते चलते ब्राउजर को बंद कर देंगे और फिर दोबारा खोलेंगे तो जनरली क्या होता है, पुराने जो टैब्स खुले हुए वो नहीं आते। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन पे टिक कर दोगे तो उस केस में फिर आपका जो पुरानी आपने स्क्रीन क्लोज नहीं करी थी लेकिन ब्राउजर डायरेक्टली बंद कर दिया था, मान लो आप काम कर रहे थे और यूपीएस जवाब दे गया, लाइट चली गई और आपका कंप्यूटर एकदम डायरेक्टली शटडाउन हो गया। अब आपने इतनी मेहनत से किसी लिंक पे पहुंचे थे, अब जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करोगे तो आपको उसमें कोई टैब खुला हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर हमने ऑप्शन यूज कर रखा है ओपन प्रीवियस विंडोज एंड टैब्स, तो जब हम ब्राउजर को दोबारा खोलेंगे, मोजिला को दोबारा खोलेंगे, तो वो टैब्स अपने आप ओपन हो जाएंगे, हमारी मेहनत और हमारा टाइम जो है वो बच जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ से डिफॉल्ट ब्राउजर की सेटिंग को चेंज कर सकते हो। देखो कई बार हमारे कंप्यूटर में कई सारे ब्राउजर अवेलेबल होते हैं, तो जैसे कि गूगल का क्रोम हो गया और माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया, लेकिन उनमें से हम किसको अपना मेन ब्राउजर मानते हैं, हम उस ब्राउजर को डिफॉल्ट बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर इस मेक डिफॉल्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो मोजिला फायरफॉक्स माना जाएगा। फिलहाल मैंने क्रोम को अपना डिफॉल्ट ब्राउजर जो है वो सेट कर रखा है। तो इसके अंदर टैब से रिलेटेड ऑप्शन है, कौन सी शॉर्टकट की किस काम के लिए यूज होगी, लिंक को कैसे ओपन किया जाए, कैसे स्विच किया जाए एक टैब से दूसरे टैब के बीच में, लैंग्वेज से रिलेटेड ऑप्शन, वो सब आपको इस जनरल टैब के अंदर मिल जाते हैं। जनरल पैनल के अंदर ये बात बता रखी है, इसके अंदर ऑप्शंस हैं डिफॉल्ट ब्राउजर की सेटिंग से रिलेटेड, इसको आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हो। लैंग्वेज और अपियरेंस से रिलेटेड, फॉन्ट बड़ा दिखाई देना चाहिए, नॉर्मल दिखाई देना चाहिए, कौन सी डिफॉल्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, हिंदी कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज हो रहे हैं। फाइल डाउनलोडिंग से रिलेटेड, एप्लीकेशन डाउनलोडिंग से रिलेटेड, कोई फाइल डाउनलोड होती है तो कहाँ जाके सेव होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसके अंदर सेट करी जा सकती है। यहाँ तक कि फायरफॉक्स की अपडेट की सेटिंग भी, इसकी वजह से आप अपने फायरफॉक्स को अप टू डेट रख सकते हो, जो भी उसमें नए नए चेंजेस आए हैं वो हम अपने फायरफॉक्स में अकोमोडेट करके उसका नए वर्जन का इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके लिए अगर आपने फायरफॉक्स को अपडेट की सेटिंग ऑन कर रखी है तो ये काम बहुत आसानी से अपने आप होता रहेगा। ब्राउज़र और नेटवर्क की सेटिंग, हम कोई वेबसाइट ब्राउज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी वेबसाइट ब्राउज़ करनी अलाउड नहीं है, उनको हम ब्राउज़र की ब्लॉक लिस्ट में डाल सकते हैं। जैसे कॉल की ब्लॉक लिस्ट होती है, जिसको ब्लॉक कर रखा है वो आपको कॉल नहीं कर पाएगा, और ऐसे ही ब्राउज़र की ब्लॉक लिस्ट में कुछ वेबसाइट्स के नाम डाल सकते हैं जो कि हम नहीं चाहते कि कोई हमारे कंप्यूटर बैठ के एक्सेस करे, तो आप उसको कर सकते हो। नेटवर्क की सेटिंग्स को बता सकते हो, क्या स्पीड रखनी है, क्या फीचर्स आपको चाहिए, तो वो सब ऑप्शन आपको जनरल पैनल के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा होम पैनल और सर्च पैनल के बारे में बात कर लेते हैं। होम पैनल तो बताता है कि कौन से पेज को अपना होम पेज सेट करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हो कि आप इसको खोलो, मोजिला को खोलो और सीधा आपके सामने गूगल का मेन पेज आ जाए, गूगल का सर्च इंजन आ जाए, तो उस केस में आपको ये वाली सेटिंग करनी पड़ेगी, आपको सेट करना पड़ेगा होम पेज अपने ब्राउज़र का, और वो काम ब्राउज़र की विंडो में टैब सेटिंग्स के अंदर जाके कर सकते हैं। चलिए एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं वाला। मोजिला फायरफॉक्स जी अवेलेबल है इसके अंदर, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, और जैसे कि आपको बताया कि ये सबसे पहले देखो पूछ रहा है कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र नहीं है, बनाना चाहते हो, मैंने मना कर दिया। और अगर हम यहाँ आते हैं मेन्यू बटन पे, तो मेन्यू बटन में यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े से अलग हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरा पुराना ब्राउज़र है, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए हैं वो लेटेस्ट ब्राउज़र के हिसाब से है इसके अंदर अवेलेबल, लेकिन ये वाले थोड़े ऑप्शंस पुराने हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पे देखिए ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑप्शंस के अंदर हमारे पास ये चीज़ें आ गई कि चेक करो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है या नहीं, और अगर नहीं है तो आप उसे डिफ़ॉल्ट बना सकते हो। व्हेन फायरफॉक्स स्टार्ट तो क्या होना चाहिए, तो भाई मैं कहता हूँ कि एक पेज डिस्प्ले हो, और वो वेब पेज क्या हो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया www.google.com, ये मैंने इसके अंदर सेट कर दिया, और यहाँ पे हम इसकी प्रेफरेंसेस को आई थिंक सेव करने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप सेव हो जाएगा इसके अंदर। और डाउनलोडिंग फाइल्स कहाँ जानी चाहिए वो आप लोकेशन इसमें से सेट कर सकते हो, तो ये कुछ ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिलते हैं। अब मैं इसे अगर नया टैब ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, और रीस्टार्ट करके देखते हैं मोजिला को, देखते हैं कि इससे फ़र्क पड़ा जो हम चाह रहे थे।
मोजिला का पेज खुला लेकिन उसमें गूगल का पेज लोड नहीं हुआ, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ रही है हमारे से। चेक करते हैं। व्हेन फायरफॉक्स स्टार्ट, तो हम कहेंगे शो माय विंडो एंड टैब्स फ्रॉम द लास्ट टाइम शो माय होम पेज। ये करना था, मैंने गलती से ब्लैंक कर दिया था इसमें शो माय होम पेज, और मैंने होम सेट कर दिया गूगल क्रोम। और अब देखिए, अगर मैं क्लिक करता हूँ इसे बंद करके दोबारा खोलता हूँ, तो उम्मीद है जो हम चाह रहे थे वो हो जाएगा। मोजिला पे आ रहे हैं, ओपन होगा ब्राउजर अब। और यहाँ पर जैसा कि हमने देखा, ये हमारा गूगल का पेज लोड होके आ गया। तो बाय डिफॉल्ट कुछ और आ रहा था, ब्लैंक पेज आ रहा था, लेकिन हमने सेटिंग्स में जाके उसको मॉडिफाई कर दिया। लेकिन हाँ, सेटिंग्स के स्टेप डिफरेंट थे। जो आपको स्क्रीन पीछे दिखाई गई थी वो अलग थी, ये जो स्क्रीन है वो अलग है। कि ये लेटेस्ट ऑप्शंस हैं जो आप फिलहाल देख पा रहे हैं इसके अंदर, वो मेरे लैपटॉप में पुराना ब्राउजर है, तो इसलिए उसमें आपको ऑप्शन की जगह अलग दिखाई दे रही है। तो सेटिंग्स के अंदर जाके ही हम ये सब चेंजेस कर सकते हैं। क्या हमारा होम पेज होना चाहिए, ब्राउजर की विंडो कैसी होनी चाहिए, ये टैब की सेटिंग क्या होनी चाहिए, वो सब यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। सर्च पैनल में बता सकते हैं कि कैसे एडिट कर सकते हैं सेटिंग्स को सर्च इंजन के रिगार्डिंग, यानी जो फायरफॉक्स के हम एड्रेस बार में अगर लिखते हैं तो वो कौन से सर्च इंजन का इस्तेमाल करता है। क्या वो बिंग का इस्तेमाल करे, क्या वो गूगल का इस्तेमाल करे, क्या वो याहू का इस्तेमाल करे, कौन से सर्च इंजन का इस्तेमाल करना चाहिए उस वेबसाइट को ढूंढने के लिए जिसका नाम हमने एड्रेस बार में लिखा है। मान लो हम डायरेक्टली लिख कर देते हैं महात्मा गांधी, हमने किसी वेबसाइट का नाम नहीं दिया, एड्रेस बार सीधा महात्मा गांधी लिखते, तो वहां पे महात्मा गांधी जी के बारे में सर्च कैसे किया जाए। हमने तो मोजिला में लिखा, मोजिला थोड़ी सर्च इंजन है, तो मोजिला कौन से सर्च इंजन का इस्तेमाल करे, ये सब चीज हम सर्च पैनल के अंदर सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेसी और सिक्योरिटी पैनल है, इस पैनल के अंदर ऑप्शन है जिसकी मदद से हम सिक्योर कर सकते हैं अपने ब्राउजर के डेटा को। और इसके अंदर ये ऑप्शन है एनहैंस्ड ट्रैकिंग प्रोटेक्शन की, कोई हमें ट्रैक ना कर सके, कोई हमारा पीछा करके हमारे सिस्टम तक ना पहुंच सके। फॉर्म्स एंड पासवर्ड्स, देखिए कई बार हम अपने पासवर्ड्स को सेव कर लेते हैं ताकि जब लॉग इन करना पड़े तो हमारे को यूजर नेम पासवर्ड डालने की जरूरत ना पड़े। और ऐसे फॉर्म्स के अंदर हमारे पास ऑटो फिलिंग का ऑप्शन होता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ऑटो फिल ऑप्शन इन फॉर्म। उदाहरण के तौर पे आप फर्स्ट लाइन ऑफ एड्रेस लिख रहे हो, फर्स्ट लाइन ऑफ एड्रेस एंड रेस्ट इज ऑटोमेटिकली अवेलेबल, बाकी का अपने आप आ जाता है अगर आपने ऑटो फिल ऑप्शन को यूज कर रखा है। पासवर्ड्स भी सेव हुए हैं तो इसके अंदर है, जिनके थ्रू आप पासवर्ड को कुछ टाइम बाद क्लियर कर सकते हो ताकि हैकिंग का खतरा ना रहे। हिस्ट्री मेंटेन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए कितने दिनों तक होनी चाहिए, और कितने दिनों के बाद वाली अपने आप डिलीट हो जानी चाहिए। एड्रेस बार से रिलेटेड सेटिंग्स करी जा सकती है इसके अंदर। कुकीज से रिलेटेड, कुकीज वो खाने वाले चॉकलेट बिस्किट नहीं है, कुकीज क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे। और साइट के डेटा से रिलेटेड परमिशन, ये कि हमारे जो पॉपअप विंडो डिस्प्ले होती है और एड ऑन इंस्टॉल होता है उसके रिगार्डिंग परमिशन ली जाए या बिना परमिशन के वो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पैनल के अंदर आती हैं। ट्रैकिंग से प्रोटेक्शन का काम, फॉर्म और पासवर्ड से रिलेटेड ऑप्शन, हिस्ट्री और एड्रेस बार से रिलेटेड, कुकी और हमारे साइट के डेटा से रिलेटेड, और परमिशन की पॉपअप विंडो और डिस्प्ले हो पाए और अपने आप और इंस्टॉल हो सके एड ऑन, या हमारी परमिशन के बगैर इनमें से कोई भी काम ना हो। तो जैसे आपने देखा मैंने मोजिला खोला था तो एक परमिशन मांग रहा था वो मुझसे कि क्या आप इसे अपना डिफॉल्ट ब्राउजर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे ही अगर आपकी कोई पॉपअप विंडो आ रही होगी या कोई एड ऑन इंस्टॉल हो रहा होगा तो वहां पे परमिशन मांगेगा, बिना परमिशन के वो उसे इंस्टॉल नहीं करेगा अगर आपने ऐसी सेटिंग कर रखी है, नहीं तो वो उसे डायरेक्टली इंस्टॉल भी कर सकता है। तो ये सब ऑप्शन हमारे को प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पैनल में मिलते हैं। सिंक पैनल लास्ट पैनल हमारा, इस पैनल के अंदर ऑप्शन है जिसके थ्रू हम सेटअप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं फायरफॉक्स के अकाउंट को, जिसकी मदद से हम उसके अंदर की सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने अपने गूगल क्रोम में
गूगल की वेबसाइट या जीमेल की वेबसाइट से सिंक कर रखा है, जीमेल की वेबसाइट में लॉग इन कर रखा है, तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं या आपके जितने भी ईमेल्स हैं वो सब उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं, और वो टाइम टू टाइम अपडेट्स चेक करता रहता है, वो टाइम टू टाइम देखता रहता है कि उसमें सारी लेटेस्ट चीज़ें अवेलेबल है या नहीं, अगर नहीं है तो उन्हें अपने पास अवेलेबल करवा लेता है। तो ये सेटअप और मैनेजमेंट का ऑप्शन है हमारे पास इसके अंदर, जिसके थ्रू हम जितनी भी सर्विसेज मोजिला की हैं उसे एक्सेस करने का काम कर सकते हैं, कौन सी सर्विस यूज करना चाहते हैं कौन सी सर्विस यूज नहीं करना चाहते वो भी इसके थ्रू बताए जाने का काम किया जा सकता है। अब एड ऑन्स और प्लगइन्स क्या होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एड ऑन और प्लगइन बेसिकली टूल्स हैं जिसकी मदद से हम अपने ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकते हैं या ब्राउजर के काम करने के तरीके को चेंज कर सकते हैं। एड ऑन का मतलब बेसिकली है कि इसमें और क्षमता डाल दो, इसमें और फैसिलिटीज डाल दो, इसमें और फीचर्स डाल दो, एड ऑन दीज थिंग्स। तो अपने ब्राउजर में हम एड ऑन्स डाल के उसकी कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं। प्लग इन्स जैसे प्लग में लगाते हैं तो हमारे पास एक डिवाइस जुड़ जाती है, ऐसे ही प्लग इन्स भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू हम ब्राउजर में ऐसा काम कर सकते हैं जो उनके बिना नहीं हो पाता। ये दोनों ही टूल्स जो है वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि ब्राउजर की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जहाँ पे प्लगइन अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है जो कि किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ने बनाया है और आपके ब्राउजर के लिए अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके यूज करने का काम कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे फ्लैश और जावा, जावा के थ्रू हम इंटरेक्टिविटी ला सकते हैं अपने वेब पेजेस में, फ्लैश के थ्रू हम एनिमेटेड कंटेंट को प्ले कर सकते हैं, यहाँ तक कि छोटे मोटे गेम्स जो हैं वो भी ऑनलाइन जब खेले जाते हैं तो वो फ्लैश के अंदर ही बने होते हैं। फ्लैश प्लेयर रिक्वायर है अगर हम वीडियो प्ले करना चाहते हैं ब्राउजर में, तो ये इसके लिए हम प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं जो कि प्रोग्राम है थर्ड पार्टी के थ्रू बनाया हुआ हो सकता है, और इसकी मदद से एग्जांपल के तौर पे अगर फ्लैश प्लेयर हम डालते हैं तो उसकी मदद से हम अपने ब्राउजर में वीडियो चलाने का काम कर सकते हैं। और जो थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं वो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फ्लैश हो गया, जावा हो गया, ये हमारे प्लगइन्स के अंदर आते हैं। एड ऑन के बारे में, एड ऑन पे बात करने से पहले प्लगइन के बारे में बात पूरी कर लेते हैं कि प्लगइन एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंस्टॉल किया जाता है होस्ट कंप्यूटर पे, यानी हमारे कंप्यूटर पे, और फिर उसे इस्तेमाल किया जा सकता है ब्राउजर की मदद से बहुत सारे फीचर्स बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए, और इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी और तरीके की एप्लीकेशन में भी, सिर्फ ब्राउजर में नहीं, इसे कहीं और भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे वर्ड के साथ, एक्सेल के साथ, पावर पॉइंट के साथ भी उनका यूज़ हो सकता है। एड ऑन जो है वो अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, देखिए सबसे पहला फर्क आ गया, एड ऑन जो है वो कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है जबकि प्लगइन कंप्लीट प्रोग्राम होता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी, सिंगल फंक्शनैलिटी ब्राउजर में डालने के लिए, जबकि प्लगइन की मदद से आप बहुत सारी फंक्शनैलिटीज, जैसे कि ऊपर साफ लिखा हुआ है, मल्टीपल फंक्शनैलिटीज ब्राउजर में अवेलेबल करवा सकते हो, जबकि एड ऑन के थ्रू कोई एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी ही ब्राउजर को अवेलेबल करवाई जा सकती है। एड ऑन को एक्सटेंशन भी कहा जाता है कई बार कई ब्राउजर में, यानी यहां पे आपको अगर आप एड ऑन ढूंढ रहे हो और आपको एड ऑन ना मिले तो आप एक्सटेंशन में चले जाइएगा, वहां पे आपको एड ऑन और प्लगइन ऑप्शन मिल जाएंगे, और आप ऐड कर सकते हो फंक्शनैलिटी साउंड की, ग्राफिक कार्ड की, ये सब एग्जांपल है ऐड ऑन के। और अगर ऐड ऑन अवेलेबल नहीं हुआ तो फिर बेसिकली आप ये वाले फीचर्स का, आप ये वाली फैसिलिटीज़ का फ़ायदा जो है वो नहीं उठा पाएंगे। तो बेसिकली ऐड ऑन एक छोटा सा कोड है जिसकी मदद से हम एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी अपने ब्राउज़र को प्रोवाइड करने का काम कर सकते हैं। इसको एक्सटेंशन भी कहा जाता है कई बार, और इसकी मदद से हम कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे साउंड से रिलेटेड सेटिंग, ग्राफिक्स से रिलेटेड सेटिंग, ये एग्जांपल है हमारे कुछ एडवांस के। अब कैसे हम अपने ब्राउजर में एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं, कोई अपनी मर्जी की नई एक्सटेंशन हम ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, तो इसके लिए आपको मोजिला फायरफॉक्स खोलना पड़ेगा, फिर से जाना पड़ेगा टॉप राइट कॉर्नर में, वहां पे आपको फिर से वही मेन्यू बटन मिलेगा, यानी तीन एरो तीन लाइन वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस मेन्यू बटन पे क्लिक करना है। पिछली बार की तरह आपका ड्रॉप डाउन बॉक्स खुल के आ जाएगा, ड्रॉप डाउन बटन आ जाएगा, और इस ड्रॉप डाउन में आपको एड ऑन एंड थीम्स नाम का ऑप्शन चूज करना है, तो एड ऑन एंड थीम्स पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, एड ऑन मैनेजर विंडो खुल के आ जाएगी, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उसमें एक्सटेंशन का, और राइट हैंड साइड पे आपके पास फीचर्स होंगे, फैसिलिटीज होंगी जो कि एड ऑन को इस्तेमाल करने के लिए, एड ऑन को अपने ब्राउजर के साथ जोड़ने के लिए चाहिए हमारे को।
राइट साइड पे हमारे पास ऑप्शन है जिसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं एक्सटेंशन को, कैसे वो दिखाई देनी चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास लिस्ट होगी एनेबल्ड और डिसेबल और रिकमेंडेड एक्सटेंशन की, कौन कौन सी एक्सटेंशन आप डाल सकते हो ब्राउज़र में, कौन सी एक्सटेंशन डालनी सही नहीं रहेगी उन्हें हटा देना चाहिए, और कौन सी एक्सटेंशन ब्राउज़र की कंपनी यानी मोज़िला वाले हमारे को रिकमेंड कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे को इस थीम एंड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एंड थीम नाम के ऑप्शन में अवेलेबल, सॉरी एड ऑन और थीम नाम के ऑप्शन में अवेलेबल हो जाएगी, जिसके थ्रू आप उसमें और फीचर्स ऐड करने का काम कर सकते हैं। चलिए एक और बार मैं मोज़िला पे जाना चाहूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल सेम वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हमारे पास एक्सटेंशन का ऑप्शन कैसा आता है वो एक बार देख लेते हैं। और फिर से मेन्यू बार में गए, फिर से आप देख सकते हैं गूगल का पेज ही लोड हो रहा है इसके अंदर। तो एड्रेस बार में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एड ऑन का, तो हमने एड ऑन पे क्लिक कर दिया। तो देखिए गेट एड ऑन आ रहा है और यहाँ पे एक्सटेंशन भी आ रहा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है। एक्सटेंशन एक डिसेबल कर दिया गया है इसके अंदर, और दोनों एक्सटेंशन जो है वो डिसेबल कर दिए गए, और यहाँ पे हम क्लिक करके उसे एनेबल करने का काम कर सकते हैं। मैंने एनेबल कर दिया तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि इट हैज़ बीन एनेबल्ड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने किसी एक्सटेंशन को डाल सकते हो, एक्सटेंशन को हटा सकते हो, उसे मैनेज करने का काम जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको नए ब्राउज़र में, नए फायरफॉक्स में कहाँ मिलेगा ये ऑप्शन। आपको अपना मोज़िला फायरफॉक्स ओपन करना है, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा ओपन मोज़िला फायरफॉक्स। फायरफॉक्स ओपन करने के बाद क्लिक ऑन मेन्यू, और मेन्यू हमारे पास है टॉप राइट कॉर्नर, और फिर हमारे को जाना है एडऑन्स एंड थीम्स में, क्लिक ऑन एडऑन्स एंड थीम्स। तो हम जब इस पर क्लिक कर देंगे तो ये नई विंडो खुल जाएगी जिसका नाम है एड ऑन मैनेजर। ये एड ऑन मैनेजर हमारे सामने खुल के आ चुका है। इस एड ऑन मैनेजर के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं, राइट हैंड साइड पे कुछ हमारे को रिकमेंडेड एक्सटेंशंस दिखाई जा रही हैं। इसके अंदर रिकमेंडेड एक्सटेंशन है जो आपने डाल रखी होंगी वो यहाँ पे दिखाई देंगी आपको, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाली। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे इस एड ऑन मैनेजर की मदद से कर सकते हैं। प्लस इसने अपनी तरफ से आपको ऑप्शन दिए कि भाई टैब या बुकमार्क जो है उसे आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हो इस साइट बेरी की मदद से। तो ये आप ऐड टू फायरफॉक्स पे क्लिक करके इसे एड ऑन को शामिल कर सकते हो, और फिर जो फैसिलिटी आपको दे रहा है वो आपके ब्राउज़र में और इंक्लूड हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस पहले से थोड़ी सी और बेटर हो सकती है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है प्लगइन के बारे में, तो जहाँ एक्सटेंशन है उसी के नीचे प्लगइन का ऑप्शन है। प्लगइन में आपके पास है कि आप प्लगइन को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हो, यहाँ तक कि किसी ना किसी प्लगइन को और आप ढूंढने का काम भी कर सकते हो। यहाँ पे सर्च एडऑन्स मोज़िला डॉट ओआरजी लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास दो प्लगइन है, एक तो वीडियो प्ले करने के लिए और एक बेसिकली है डिक्रिप्शन मॉड्यूल जो है वो गूगल की तरफ से प्रोवाइड करा गया है, ताकि हमारा जो डेटा है उसे रास्ते में कोई चुराता भी है तो उस वो हमारी जानकारी का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, तो उसके लिए इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है। और ये फ़िलहाल दो प्लगइन मेरे मोज़िला में अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ जाते हैं प्लगइन्स के अंदर, तो देखिए हमारे को क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इतने सारे प्लगइन्स हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि किसको एक्टिवेट करना है, किसको डीएक्टिवेट करना है। कुछ में पहले से ही ऑलवेज एक्टिवेट लिखा हुआ है, तो ये सब सेटिंग्स आप प्लगइन के अंदर कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो अपने ब्राउज़र के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। कुकीज़, कुकीज़ बेसिकली टेक्स्ट फाइल होती है जिसके अंदर स्ट्रिंग होता है, मैटर होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। और ये कुकीज़, ये जो मैटर है, इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से है ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास भेजा गया है, कहाँ से भेजा है, वेबसाइट से भेजा है, किसका कहाँ पे भेजा है, ब्राउज़र पे भेजा है, नहीं हमारे कंप्यूटर पे भेजा है, जब भी हम किसी वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप
गूगल न्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, आप में से कई लोग करते होंगे गूगल न्यूज़। तो गूगल न्यूज़ का जब आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा है कि आपके जो न्यूज़ हैं, न्यूज़ हेडिंग्स हैं, वो आपकी लाइक्स एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से हैं। जो टॉपिक आप ज़्यादा देखते हो उससे रिलेटेड आपको ज़्यादा न्यूज़ जो है वो मिलेंगी। तो कुकीज़ की मदद से ये काम पॉसिबल हो पाता है। तो ये टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि ट्रांसफ़र करी जाती है वेबसाइट के द्वारा, हमारे ब्राउज़र पे उस वेबसाइट के द्वारा करा जा रहा है जिसको हम ब्राउज़ कर रहे हैं, जिसको हम सर्फ कर रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो स्टोर होता है टेक्स्ट फाइल के अंदर, हमारे ब्राउज़र के अंदर ही रहता है और वहाँ से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल होगा कैसे? तो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है उसे रीट्रांसमिट किया जाता है सर्वर पे। अब जैसे मान लीजिए आप अपना अमेज़ॉन का वेब पेज खोल रहे हैं और आपके अमेज़ॉन के वेब पेज में जो आपने लेटेस्ट चीज़ें कार्ट करी थी वो उसकी लिस्ट दिखा दी जाती है, जो ऑप्शंस हैं जैसे डील्स हैं वो दिखा दी जाती हैं, या कोई प्रोडक्ट आपने विजिट किया था लेकिन बाय नहीं किया आपको वो दिखा दिया जाता है। क्या यही सेम जानकारी दूसरा कोई पर्सन अपने अमेज़ॉन को खोलेगा तो उसमें भी यही सेम आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो यूज़र अलग अलग है। तो ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है फॉर्म में टेक्स्ट के और ब्राउज़र के अंदर उसे सेव किया जा रहा है। ये जो जानकारी है वापस सर्वर पे भेजी जाती है ताकि वो हमें रिकग्नाइज कर सके, वो पहचान सके कि हम बेसिकली कौन से यूज़र हैं, इन करोड़ों मिलियंस और ट्रिलियन यूज़र में हमारा कौन सा प्रेफरेंस है, हमारी कौन सी लाइकिंग है, हम क्या लेना चाहते हैं, कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं। वो सब चीज़ें इसके अंदर कुकीज़ के फॉर्म में स्टोर होती रहती है और फिर ये कुकीज़ फाइल सर्वर के पास जाती है। सर्वर उसके हिसाब से पेज को आइडेंटिफाई करता है जो कि हम विजिट करना चाहते हैं और फिर वो उसे ब्राउजिंग के लिए अवेलेबल करवा देता है एक पर्टिकुलर वेबसाइट के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम कुकीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं जानकारी को सेव करने के लिए। वो जानकारी सर्वर तक अवेलेबल होती है, उस अवेलेबल जानकारी की मदद से हम अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से शॉपिंग कर सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। तो हमारी जानकारी हमारे ब्राउज़र में सेव्ड है, जब वेबसाइट एक्सेस हो रही होगी तो ब्राउज़र को कॉल किया जाएगा, उससे वो कुकी फाइल लेके सर्वर पे भेजा जाएगा और फिर वहाँ पे सोचा जाएगा कि जो यूज़र है उसे किस टाइप का ऑप्शन जो है वो हमें देना चाहिए। कुकीज़ जो है वो हमारे को कस्टमाइज़ करने में यानी फेरबदल करने में मदद करती है जानकारी की जो कि डिस्प्ले करी जा रही है। उदाहरण के तौर पे आप लैंग्वेज की चॉइस जो है ब्राउजिंग के दौरान वो चेंज कर सकते हो। जैसे गूगल में भी सामने ऑप्शन दिखता ही हमें तमिल, तेलुगु, बंगाली, ये सब ऑप्शन आते हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे को अलाउ करा जाता है यूज़र को लॉग इन करने के लिए ऑटोमेटिकली। देखो आप एक बार आपने यूज़र नेम डाला, एक बार पासवर्ड डाला, फिर आपने रिमेंबर मी नाम के बटन पर क्लिक कर दिया, या आज के टाइम तो सेव पासवर्ड नाम का जो ऑप्शन है वो भी आ रहा है कि अगर आप रिमेंबर मी नहीं करते तो भी ब्राउजर के अंदर जो है वो चीज़ सेव हो जाएगी और उसकी मदद से फिर आप किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज पे पहुंचने का काम कर सकते हो। प्लस आपको बार बार यूज़र नेम पासवर्ड डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अलाउ करता है यूज़र को ऑटोमेटिकली लॉग इन करने में, उनकी क्या शॉपिंग प्रेफरेंसेस है वो सब नोट करके रखता है, क्या एडवर्टिजमेंट दिखाने हैं और उस एडवर्टिजमेंट का अल्टीमेटली क्या हुआ, खरीदा गया नहीं खरीदा गया, ये सब चीज़ें जो है वो कुकीज़ के अंदर मेंटेन जो है वो होती है। कुकीज़ बेसिकली एक हार्मलेस एलिमेंट है जो कि एक्सेस किया जो कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द हार्ड डिस्क ऑफ द यूज़र और ट्रांसमिट वायरस और मालवेयर। तो हार्मलेस होते हैं और वो एक्सेस नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन हार्ड डिस्क में से यूज़र की, और ट्रांसमिट भी नहीं कर सकते कोई वायरस या कोई मालवेयर। ये सब बातें कुकीज़ की हो रही हैं। और ये ब्राउज़र है आपके कंप्यूटर पे जिसमें स्टोरी जो है वो मैनेज करी जाती है कुकीज़ के थ्रू। तो सॉरी स्टोरीज नहीं, स्टोर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है कि ब्राउज़र जो है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर जानकारी स्टोर करता है, मैनेज करता है कुकीज़ की, जैसे कि हमारे पासवर्ड्स हो गए, जैसे कि हमारा एड्रेस हो गया, ये सब कुकीज़ में अवेलेबल होते हैं, पासवर्ड और एड्रेस
ताकि आप जब शुरू के कुछ अक्षर टाइप करो तो बाकी का अपने आप आ जाता है। तो क्या चीज़ स्टोर होनी चाहिए, कुकीज़ कहाँ स्टोर होनी चाहिए और किस किन चीज़ों के लिए वो स्टोर हो रही हैं, ये सब हम अपने ब्राउज़र की सेटिंग में मैनेज करने का काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुकीज़ को डिसेबल करने का काम भी किया जा सकता है। तो हमारे कंप्यूटर का ब्राउज़र स्टोर करता है और मैनेज करता है कुकीज़ को, और अगर कुकीज़ को हम डिसेबल करना चाहते हैं तो हमारे को प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा अपने ब्राउज़र की, और वहाँ पर हम कुकीज़ को डिसेबल कर देंगे। तो उस केस में फिर आपको अगली बार यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी साइट को लॉगिन कर सकते हो। और अगर आपने कुकीज़ को बिल्कुल खाली कर दिया तो आपकी जो शॉपिंग प्रेफरेंसेस है वो भी हट जाएगी। उसके अलावा अगर आपकी कोई पर्टिकुलर साइट है जिसे आप बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, आप उसके फिलहाल सिर्फ शुरुआत के अक्षर लिखते हो, बाकी नाम अपने आप आ जाता है। लेकिन अगर आप कुकीज़ को खाली कर दोगे तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाएगी, वहाँ पर आपको दोबारा ही टाइप करना पड़ेगा पूरा पूरा एड्रेस, पूरा पूरा नाम जो आप बेसिकली यूज़ करने जा रहे हैं अपने लॉगिन के पर्पस के लिए या किसी से कम्युनिकेट करने के लिए। तो डिसेबल करा जा सकता है, चेंज करी जा सकती है प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग में हमारे ब्राउज़र के, और इस तरीके से कुकीज़ जो है वो हमारी हेल्प करती है। तो ये फिगर के थ्रू दिखाया जा रहा है कुकीज़ के बारे में कि आपको वेब पे आप जुड़ते हो, वेब पे जुड़ने के बाद आप रिक्वेस्ट भेजते हो वेबसाइट को, ये वेबसाइट की रिक्वेस्ट जो है वो जाती है वेब सर्वर के पास, सर्वर जो है वो बदले में हमारे को देता है कुकीज़, ये कुकीज़ जो है वो हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जाके स्टोर कर दी जाती है। जब भी हम वापस उस वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर उस कुकी फाइल को वापस सर्वर पे भेजता है ताकि सर्वर हमें पहचान सके, और जब ये वेबसाइट जो है सर्वर आइडेंटिफाई कर लेता है कि उसका रिकॉर्ड द डेटा दैट कैन बी शेयर्ड अदर ऑनलाइन सेलर्स। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारा वेबसाइट का सर्वर है वो आइडेंटिफाई करता है आपको और उन रिकॉर्ड्स को जो आप भेजना चाहते हो, दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो, और उसे शेयर करता है और शेयर किया जा सकता है उसे ऑनलाइन सेलर्स के साथ, और उनकी जानकारी जो है वो हमारे पास आ सकती है, जैसे डिस्काउंट की हमारी जानकारी उनके पास चल जाती है ताकि उन्हें पता लगे हमारे को कौन सी चीज़ पसंद है, उसी से रिलेटेड एड ज़्यादा वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये पूरी पूरी ग्राफिकली वे में एक्सप्लेन कर दें कैसे हमारी इसमें कुकीज़ जो है वो काम करती है, कैसे फाइल वेब सर्वर से आया हुआ डेटा अपने अंदर स्टोर करती है और उसकी मदद से यूज़र को पहचानने में, यूज़र की आइडेंटिफिकेशन करने में हमारा काम पॉसिबल हो पाता है। हर एक यूज़र को अलग कस्टमाइज फॉर्म में जानकारी अवेलेबल करवाई जा सकती है। तो ये कुकीज़ के बारे में था, और हमारा सिलेबस और लेक्चर कम्प्लीट हो चुका है। आर सिलेबस इज़ कम्प्लीटेड। चलिए आज आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर आपने इन क्वेश्चन का आंसर जो है वो देना है कमेंट सेक्शन में, आंसर इन कमेंट सेक्शन। आपके आंसर्स का बहुत ईगरली वेट करता हूँ मैं, तो प्लीज़ जब भी आप वीडियो लेक्चर देखते हैं तो आंसर ज़रूर दिया कीजिए, और पॉसिबल हो तो लेक्चर हमेशा पूरा ही देखें, और लास्ट में जब आप पहुँचते हो तो एक बार रिवाइज़ कर लीजिए और उसके बाद फिर इन टाइप के क्वेश्चन को ट्राई कीजिए ताकि आपके मन में कोई डाउट प्रॉब्लम ना रहे, आपके मार्क्स बिल्कुल पूरे हैं। तो आज की वीडियो को इतना ही रख रहे हैं हम, इसमें एक चीज़ आपको जो याद रखनी है वो है LCSJ, यानी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, उसके बारे में आपको सुझाव देने का ऑप्शन आपके पास कमेंट है, S से बेसिकली आप शेयर कर सकते हो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। आखिरी जे जो है वो ज्वाइन है, हमारे चैनल में नया बटन आया है ज्वाइन बटन, जिसकी मदद से आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं, हर एक वीडियो लेक्चर के नोट्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे आज हमने इंटरनेट एंड वेब नाम की सीरीज़ कंप्लीट करी है तो इसके नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन उन लोगों को जिन्होंने बाइट कोडर नाम की मेंबरशिप जो है वो ले रखी है, अगर कोई और होगा तो उसको नोट्स जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को हेल्प करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा और इस ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबर बनने के बारे में विचार कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू व्यूअर्स, बाय फॉर टुडे, बाय फ्रॉम बाइट।